दिन से ये प्रॉब्लम? लगभग 2-3 साल से दिख रहा है, दो उससे तीन पहले भी था। अच्छा, तो अभी क्या आर्मी में सिलेक्शन हो गया है? जी, CAPF में हुआ है, तो मेन में हो गया है। हाँ, सब मतलब फिजिकल और रिटन क्लियर है, सिर्फ मेडिकल बचा है। मेडिकल में ये लेता नहीं है, मेडिकल में गाने को मिस्ट्री लेते नहीं, तो बोलते हैं करेक्ट करा के आओ। हाँ, ये बोलते हैं, और अभी थोड़ा टाइम है, सही हो जाएगा। अच्छा, सर्जरी होने के बाद। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आर्मी में जो रहता है ना, वो लोग बोलते हैं कि आप करेक्ट करा के लाओ गायनेकोमेस्ट्री, क्योंकि वो लोग लेते नहीं है गायनेकोमेस्ट्री। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जी, वो पहले मेन में तो हो जाता है, फिर जब मेन मेडिकल होता है तो उसमें लेते नहीं है जी। तो इसमें आपका ग्रेड 2 गायनेकोमेस्ट्री है, इसमें इसके ग्लैंड है, इसके राउंड फैट है, ठीक है, इधर भी। तो इसमें हम लाइपोसक्शन करेंगे और ग्लैंड निकालेंगे, ठीक है। और इसमें निशान भी आपका यहाँ पे रहेगा, मिनिमम रहेगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। एक निशान यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, जिससे वो धीरे धीरे सारा कुछ चला जाएगा, ठीक है। चलिए मार्किंग करके हैं सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्रेड 2 गायनेकोमेस्ट्री है, यहाँ पे ग्लैंड है, उसके राउंड फैट है, और ये भी यहाँ पे भी थोड़ा सा फैट है, जिसमें हम लाइपोसक्शन करेंगे और ग्लैंड निकालेंगे दोनों तरफ। साइड में घूम के दिखाइए, आप देख सकते हैं, टाइट करिए यहाँ पे साइड से, सही से ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पेक्टोरिस मेजर मसल है, तो ये अभी डिमार्केटेड है, इसको हम यहाँ पे लाइपोसक्शन करेंगे तो डिमार्केशन आएगा, जो सामने घूमे, ठीक है। ये पेक्टोरिस मेजर मसल है इधर, इसके अराउंड ग्लैंड रहते हैं, तो वो पफिनेस फूला फूला रहता है, तो इसमें हम लाइपोसक्शन और ग्लैंड निकालेंगे, तब जाके ये इसके अराउंड फ्लैट होगा, नहीं तो ये थोड़ा सा फूला है, ठीक है। और ये इसके नीचे ये बोन है, मसल्स है, ठीक है, तो इसके नीचे नहीं जाता है, ठीक है। ये जो है ये चिपकता है, ये जाता है, ठीक है।